डू यू हैव द कॉन्फिडेंस कि आप बिना मेकअप के घर से बाहर जा सके, या फिर बिना मेकअप के कैमरे के सामने अपने सब्सक्राइबर्स से बात कर सके? नहीं ना। आज के वीडियो के लिए मैंने कुछ भी अपने चेहरे पर नहीं लगाया है, आप देख सकते हैं। आई एम नॉट वेयरिंग एनीथिंग एट ऑल, ऑब्वियसली लिपस्टिक बट नथिंग एल्स। आज की वीडियो के लिए मैं आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष मौजूद हूँ बिना किसी मेकअप के। मैंने सिर्फ मुंह धोया है और एक टोनर लगाया है। बिलीव मी, मेरी स्किन के कॉन्फिडेंस के लिए ये टोनर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँ। सो डू चेक आउट द एंटायर वीडियो, स्किप मत कीजिएगा। हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और बहुत मस्त हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडी शेयर कर रही हूँ, लेकिन इस सिंपल सी रेमेडी को अगर आपने वीक समझने की कोशिश की तो खबरदार। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत सिंपल होती हैं लेकिन बहुत पावरफुल होती हैं। स्माइल को ले लीजिए, एक सिंपल सी स्माइल हमारे दिन को बहुत ज़्यादा लाइटन एंड ब्राइटन कर सकती है ना। तो ये रेमेडी भी कुछ एग्जैक्ट ऐसी ही है। इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत सिंपल से हैं और इसको बनाने का तरीका भी बहुत सिंपल है, लेकिन ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा रेजुविनेटिंग है। आपकी स्किन के जो सेल्स हैं वो काफ़ी खुश हो जाएंगे जब वो इस पर्टिकुलर DIY टोनर के कॉन्टैक्ट में आएंगे। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ एक DIY स्किन टोनर शेयर कर रही हूँ एंड इट इज़ वेरी वेरी ईजी, सिंपल एंड पावरफुल। तो सबसे पहले जानते हैं कि टोनर आपकी स्किन के लिए करता क्या है और आपके स्किन केयर रूटीन में टोनर का एप्लीकेशन किस जगह पर और कब कब होना चाहिए। जैसा कि नाम सजेस्ट कर ही रहा है, टोनर यानी कि ये आपके स्किन के सेल्स को टोन करता है, उन्हें गाइड करता है कि उन्हें ना तो बहुत ज़्यादा ऑयली होना है ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई होना है। टोनर आपके स्किन के पीएच को एब्सोल्युटली बैलेंस करके आपकी स्किन के सेल्स को न्यूट्रल कर देता है। इस वजह से आपके स्किन पर किसी भी प्रकार का कोई एक्ने ब्रेकआउट नहीं होता है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टेम्ड रहती है, बहुत ही रिफ्रेशिंग रहती है। आप जिस भी प्रोडक्ट का एप्लीकेशन अपनी स्किन पर करते हैं वो डायरेक्टली हो जाता है और आपकी स्किन बहुत रेजुविनेटेड फील करती है। यानी कि टोनर आपकी स्किन के लिए बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, मैं अपने स्किन केयर एप्लीकेशन के लिए जितना भी मेरा स्किन केयर रूटीन है इसमें मैं टोनर का इस्तेमाल करती हूँ अपना फेस वॉश करने के बाद। जैसे ही आप फेस वॉश कर लें उसके बाद आप टोनर का एप्लीकेशन कीजिए। हम तो दिन में 3 बार फेस वॉश करते हैं, तो आप 3 बार टोनर का इस्तेमाल कीजिए, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम वहां आती है जहां पर आपके टोनर में होता है अल्कोहल। अल्कोहल आपकी स्किन के सेल्स को धीरे धीरे बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट कर देता है और अल्टीमेटली आपके स्किन के सेल्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं एंड व्हाट यू हैव इज एक्ने ब्रेकआउट या किसी ना किसी प्रकार का डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम आपके स्किन पर आ जाता है। लेकिन जो टोनर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, 1 नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, 2 ये आपके स्किन केयर रिजीम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाएगा अगर आप इसको रिलीजियसली यूज करते हैं। क्या मैं इसको यूज करती हूँ? जी बिल्कुल करती हूँ। आलस की वजह से कभी कभी नहीं बनाती हूँ, लेकिन मैं हमेशा आई क्रेव फॉर इट कि खत्म हो गया है बनाना है एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। हाँ, मैं मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट जो होते हैं, मार्केट बेस्ड टोनर्स, उनका भी इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन बिलीव मी सालों साल पड़े रहते हैं क्योंकि मैं अपना जो DIY है वो प्रिपेयर करती रहती हूँ। यू शुड ऑलवेज 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 बैलेंस कि आप DIYs कितना कर रहे हैं, आप मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट्स कितना यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ये बैलेंस मेंटेन करते हैं तो हैव इट इन राइटिंग फ्रॉम मी कि आपके स्किन पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम ऐसे एरा में रह रहे हैं कि हम कम्प्लीटली ये केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स को शन नहीं कर सकते और ना ही हम कम्प्लीटली DIY पे रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि वी हैव टू बी प्रेजेंटेबल। हमें बाहर जाना है, हमें बहुत सी चीज़ें करनी हैं, इस वजह से इन दोनों का बैलेंस बनाना आवश्यक है। हैविंग सेड दैट, इस टोनर को प्रिपेयर करने के लिए आपको मात्र 2 ही इंग्रीडियंट्स की आवश्यकता है, लेकिन मैं अपने ब्यूटिफुल सब्सक्राइबर्स को यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग कमेंट्स में इतने सारे सब्स्टिट्यूट्स पूछते हैं दैट आई कैन नॉट टेल यू। देखिए, मैं जितनी भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ दैट इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल, और जो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ ये इसी ब्लेंड के बारे में है, लेकिन आप लोग इसका सब्स्टिट्यूट जब करते हैं तो रिजल्ट भी वेरी करेगा, ये चीज़ अपने दिमाग में रखिए। तो इस टोनर को प्रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले लेना है एक पैन। इस पैन में आपको लेना है 2 कप पानी और इसमें आपको डालना है ग्रीन टी। जी हाँ, वही वाली ग्रीन टी जो कि आप कंज्यूम करते हैं अपने अच्छे मेटाबॉलिज्म के लिए।
यहां पर ग्रीन टी का टॉपिकल एप्लीकेशन किया जाएगा और बिलीव मी आपकी स्किन आपके मेटाबॉलिज्म से कहीं कहीं कई गुना बहुत खूबसूरत होने वाली है। आप खुद देख लीजिए, मैं तो बिल्कुल नहीं बोल रही हूं, कुछ चीजों के लिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं दैट इट इज गोइंग टू बेयर रिजल्ट्स फॉर यू। ये मेरे उन कुछ कॉन्फिडेंस में से है कि आई एम 100% श्योर कि आपको बहुत पसंद आएगा। ग्रीन टी इज अ भंडार ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड बहुत सारे ब्यूटीफुल न्यूट्रिएंट्स फॉर योर स्किन। इन सभी न्यूट्रिएंट्स का जब एप्लीकेशन आपकी स्किन पर किया जाता है तो आपकी स्किन जो रेजुविनेशन फील करती है, जो यूथफुलनेस फील करती है, उसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। इसको आपको ट्राई ही करना पड़ेगा। ग्रीन टी का एप्लीकेशन, टॉपिकल एप्लीकेशन ऑन द स्किन इज अनदर लेवल रेमेडी फॉर यू। आपको इसे ट्राई करना ही पड़ेगा ताकि मेरे वर्ड्स शायद इसको जस्टिफाई ना कर पाए कि ग्रीन टी आपकी स्किन के लिए कितनी अमेजिंग है। जब ग्रीन टी अच्छे से बॉईल हो जाए आप इसको ढक दीजिए। कब तक बॉईल करना है? जब तक कि 2 कप पानी, एब्सोल्युटली 1/2 कप पानी ना रह जाए। जी हाँ, हम चाहते हैं कि वाटर कॉन्टेंट सारा का सारा हट जाए और हमारे पास सैचुरेटेड ग्रीन टी आ जाए, विच इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर स्किन। इस लिक्विड को आप छान लीजिए, ठंडा होने के लिए रख दीजिए और उसके बाद आप इसे एक स्प्रे बॉटल में स्टोर कर लीजिए। बस इतना ही, इतना सिंपल नहीं, थोड़ा सा और है। इसमें आपको लेना है 3-4 ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल के बारे में मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं बताने वाली हूं क्योंकि मैं एक सेपरेट वीडियो टी ट्री ऑयल के ऊपर कर चुकी हूं एंड बिलीव मी इट इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल इज समथिंग वेरी 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 पावरफुल फॉर योर स्किन। लेकिन मेरी ब्यूटीफुल सी जनता हमेशा बोलती है हमारे पास टी ट्री ऑयल नहीं है, हम क्या यूज करें। तो टी ट्री ऑयल की जगह पर आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं रोज एसेंशियल ऑयल। जब भी मेरे पास टी ट्री ऑयल अवेलेबल नहीं होता है या फिर आई वॉन्ट चेंज, तो मैं इसमें रोज एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। जिनकी स्किन बहुत ऑयली है उनको टी ट्री ऑयल का ही इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो आप रोज एसेंशियल ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास रोज एसेंशियल ऑयल भी नहीं है तो आप किसी भी एसेंशियल ऑयल का एप्लीकेशन कर सकते हैं जो आप कंफर्टेबल हैं। अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल ही नहीं है तो आप इसमें गुलाब जल यानी कि रोज वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो काफी लाइट होता है, इसका एप्लीकेशन काफी रिफ्रेशिंग होता है एंड इसमें आपको कोई भी एंटीऑक्सीडेंट डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर ग्रीन टी है जो कि खुद ही एक बहुत ही कमाल का एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है, ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। आप इसको रेफ्रिजरेट करके रखिए ताकि ये मैक्सिमम लंबा चल सके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको रहने देती हूँ, मुझे तो ध्यान भी नहीं है कि कई बार यूज़ करना भूल जाते हैं, तो महीनों चलता है, कोई टेंशन नहीं है। तो आप इसको जब आपको अप्लाई करना हो, अच्छा किस स्टेप पे अप्लाई करना है, आप फेस वॉश कीजिए। फेस वॉश करने के बाद आपको टोनर अप्लाई करना ही करना है। अगर आप उसके बाद मॉइस्चराइजर नहीं लगाना चाहते, सनस्क्रीन नहीं लगाना चाहते, कुछ नहीं लगाना चाहते, मत लगाइए, लेकिन टोनिंग तो आपको करनी है। टोनिंग का मतलब होता है कि आपके स्किन के सेल्स को आपको हमेशा बताना है बिहेव योरसेल्फ, दैट्स ऑल। स्प्रे बॉटल में यहां रखने का मतलब यह है कि इसका एप्लीकेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, अदरवाइज ये कोई मैंडेटरी नहीं है। आप इसको नॉर्मल बॉटल में भी स्टोर कर सकते हैं और कॉटन की हेल्प से अपने चेहरे पर लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डायरेक्ट हाथों से एप्लीकेशन अवॉइड कीजिए क्योंकि एट टाइम्स, हाँ अगर आप फेस वॉश कर रहे हैं और इमीडिएट उसके बाद कर रहे हैं देन इट्स फाइन, लेकिन कई बार क्या होता है कि सिर्फ टोनर वापस आते हैं हम कहीं से और मुंह धोने का मन नहीं करता, तो सीधा टोनर स्प्रे किया और वाइप ऑफ कर लिया, तो दैट्स वेरी रिफ्रेशिंग। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप हैंड वॉश नहीं करते हैं, तो आई वुड से हाथों से एप्लीकेशन मत कीजिए। बस 2 ही इंग्रेडिएंट्स, आई टोल्ड यू सिंपल चीजें पावरफुल हो सकती हैं, ये वही पावरफुल चीज है। आप भी इसको अपने लिए डेफिनेटली ट्राई कीजिए। ये टोनर आपकी स्किन को एक नई लाइफ दे सकता है। आपको इसे रेगुलर इस्तेमाल करना है। डू नॉट जस्ट स्किप 1 हफ्ते ट्राई किया और उसके बाद अब तो हम नहीं कर सकते। रेगुलरिटी इज द की टू सक्सेस। आपको रेगुलरली इसको इस्तेमाल करना है, आपकी स्किन को डिसिप्लिन रखना है एंड आई एम 100% श्योर कि आपको ये रेमेडी बहुत पसंद आएगी। यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद इट इमीडिएटली। इसीलिए इसको ट्राई कीजिए एंड यू नो द ड्रिल कि वापस आके हम सबके साथ शेयर कीजिए कि आपके लिए ये टोनर कैसा रहा। आई एम वेटिंग टू लिसन आउट ऑफ ऑल ऑफ यू कि क्या अमेजिंग रिजल्ट्स आप लोगों को मिले। आपकी स्किन बहुत अच्छे से टेम होने वाली है, रेजुविनेट होने वाली है, यूथफुल दिखने वाली है एंड यू आर गोइंग टू बी रियली हैप्पी अबाउट इट। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आप सभी आजकल लाइक करना भूल जाते हैं, तो डोंट फॉरगेट,
हिट द लाइक बटन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मैं अपने ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर्स के लिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस लेकर आती हूँ हफ्ते में 3 दिन। तो बी अ पार्ट ऑफ आर ब्यूटीफुल फैमिली, वी कॉल इट प्रीति प्रेरणा। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग वेरी एक्साइटिंग फॉर यू। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और प्रीति प्रेरणा से जुड़े रहिए।